मैं पूछना चाहता हूं, जब शिवकुमार जी के यहाँ छापा पड़ा तो 300 करोड़ रुपए मिले या नहीं मिले उनके यहाँ से? ये 300 करोड़ किसके थे? जवाब देंगे सुप्रिया जी, ये 300 करोड़ रुपए वहाँ पर मिले थे या नहीं मिले थे? चिदंबरम साहब पर जब ईडी का रेड हुआ, यानी उसके केस चले, वो आखिर जेल गए या नहीं गए? ये तो देश के बहुत बड़े वकील हैं, जाने माने वकील हैं, और देश के तमाम बड़े वकीलों को उनके उसमें खड़े हुए, क्यों नहीं आपको ने के वो किया? कैसे जेल में गए वो? आखिर कोर्ट भी जो है वो भी उसमें है क्या, किसी के से प्रभावित है क्या? तो ये आपको ने जो है केवल घटनाओं को इधर से उधर करने के लिए, क्योंकि जवाब नहीं होता इसलिए आरोप लगा दीजिए ईडी और सीबीआई पर। यहाँ देश में तो सालों पांचों वर्ष चुनाव चलते रहते हैं, तो इसका मतलब क्या है? आप लोग सिर्फ झूठ। अब एक गेट सुन लीजिए मुझे, अब मेरी बात पूरी होने, सुप्रिया जी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, मेरी बात सुनिए। मैं मुझे सारे बॉलीवुड को लाइन में खड़ा, अब मैं जवाब दे रहा हूँ, आप सुनिए, आप सुनिए ना, आप सुनिए, जवाब सुनिए रूबिका जी, ये तो झूठ थोड़ी सुनूंगी, आप झूठ, मैं जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, आप जवाब सुनिए ना, झूठ क्या? आपकी बात आप अभी तक तीनों चीजों को सुना, एक एक करके उनको जवाब देने दीजिए। शर्मा जी 20 सेकंड। रूबिका जी, मैंने ईडी और उसकी बात बताई, अब इन्होंने उस केस की बात कोकीन वाली की, नार्कोटिक स्विंग, मैं कहता हूँ कि कलकत्ता के अंदर नार्कोटिक स्विंग नहीं है क्या? सबसे पहले तो स्टेट नार्कोटिक उस पर कार्रवाई करेगी, तो उसमें कौन मना कर रहा है? आप कार्रवाई कराइए, बम्बई तो आपके पास तथ्य है, सबूत है, तो कार्रवाई करें। ममता सरकार की गवर्नमेंट, एक मिनट, मुंबई आप जो है ममता सरकार को कहिए ना, आप कहिए, आप समर्थन में खड़े होइए ममता सरकार के, हम तो चुनौती दे रहे हैं आपको, आप आइए ना करने के लिए, आप ममता सरकार के साथ आप मिलकर, भाई स्टेट की नार्कोटिक स्टेट की पुलिस है, स्टेट की पुलिस है, स्टेट की ना, असल में मूल मुद्दा से ये भाग रही है, मूल मुद्दा रुपया जी आपने इसे पूछा, कहाँ है बंगाल में कांग्रेस? आपने पूछा कहाँ है बंगाल में कांग्रेस? धरती पकड़ चुकी है कांग्रेस, वहाँ पर इनके नाम का एक वोट नहीं बचा है, ये मूल प्रश्न से भाग रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इनकी लड़ने की ताकत नहीं है, ये है वास्तविकता। वहाँ की जनता ने इनको 30 सालों से बाहर निकाल दिया है, इसलिए इनकी ताकत नहीं है वहाँ पर, ये मूल क्वेश्चन से भाग रही है। आपको तो जनता वहाँ से ये मैंने तीनों के जवाब दिए आपके, और इसके बाद मैं कह रहा हूँ, शर्मा जी सुनिए एक सेकंड, आप दोनों रुकिए, सुप्रिया सुनिए, बात तो सच है, मेरा जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा था 3 सवाल पूछूंगी उसके बाद इस बात का जवाब दिया जाएगा, मैंने आपसे पूछा ना 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 नहीं होगा यहाँ पर, ना 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 नहीं होगा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, आपको जो सवाल पूछने के शर्मा से पूछिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप वहाँ दिल्ली में अपने ऑफिस में बैठ कर आप हमला बोल रही है, अच्छी बात है, मैं कह रही हूँ आपके बड़े सारे लीडर्स कहाँ है? राहुल गांधी बंगाल में क्यों नहीं है? प्रियंका गांधी बंगाल में क्यों नहीं है? पी चिदंबरम बंगाल में क्यों नहीं है? मनीष तिवारी बंगाल में क्यों नहीं है? कहां है ये सब? आपने तो सरेंडर कर दिया है सुप्रिया सुनिए, जब वक्त आएगा तो हम बंगाल में भी होंगे, जब नतीजों के बाद बंगाल में होंगे, ईवीएम पर सवाल उठाने के लिए। बनर्जी ने सुनो तो, बात तो सुनो रूबिका, बात तो सुनिए आप, अरे वेरी गुड, वक्त आएगा, अभी वक्त नहीं आया, बंगाल में 2 महीने चुनाव करेंगे, वक्त नहीं आया, ये कांग्रेस का असेसमेंट है। शर्मा जी काहे को खुशिया रहे हो? अरे सुनिए, मुझे तो आपके जवाब पे हंसी छूट रही है, जनता भी हंस रही होगी, जनता भी हंस रही होगी, 2 महीने हो गए, 2 महीने चुनाव को बचे हैं, और अभी आपका वक्त नहीं आया, वक्त इसलिए नहीं आया क्योंकि लोग ही नहीं है आपके वहाँ पर। ABP News, आपको रखे आगे।